Hi everyone, welcome back to my channel Sumap Corner. If you like my video, please like, share and subscribe to my channel. Today I am going to show you how to use overlock overcast foot in machine. Let's get started. ये हमारा overlock foot है, इससे हम overlock करते हैं. पीछे से आप देख लीजिए इस तरह से. इस फुट से भी हम ओवरलॉक कर सकते हैं, पर इससे इतनी फिनिशिंग नहीं होती, इससे ज़्यादा फिनिशिंग होती है कि आप देख सकते हैं इसमें इसके कॉर्नर में जो ये एज दिया हुआ है, ये एज से के हेल्प से हमें ये हमें गाइड करता है कि हमें हमारा कपड़ा बराबर है या नहीं. चलिए हम इस फुट को लगा लेते हैं. बस हमें इसी तरह से लगाना है फुट. इसको लगाना बहुत आसान है, इसे निकालना भी आसान है. कुछ इस तरह से हम ऐसे करेंगे, ये निकल जाएगा और इसी तरह से हम रखेंगे तो ये लग जाएगा. ये देखिए, बस इस तरह से हमें लगाना है और हमें धागा इस तरह से डालना है. मैं आपको वाइट कलर के कपड़े पे ओवरलॉक करके दिखाती हूँ. और ये धागा मैंने इसलिए यूज़ किया है ताकि आपको नज़र आए. आप चाहे तो कपड़े के मैचिंग धागा लगाकर भी यूज़ कर सकते हैं. चलिए मैं आपको दिखाती हूँ. पहले हम इस तरह से रखेंगे, एक दो बार हम हाथ से चलाएंगे. कि हमारा कपड़ा बराबर आ रहा है या नहीं. ये जो एज दिया हुआ है हमें उसी को ध्यान में रखते हुए, ये एज इसलिए दिया हुआ था कि हमें ये गाइड करता है कि हमें कपड़े को ना इधर ले जाना है ना उधर. इसको बिल्कुल उसी के साथ हमें मशीन को चलाना होता है. हमें कपड़े को उसको एकदम बराबरी में उसके रखेंगे, चलाएंगे. अब देख सकते हैं ये हमारी ओवरलॉक हुई है. थोड़ा बड़ा करके बताती हूँ. इसको थोड़ा छोटा. पैटर्न डायल को हमने यहाँ से सेंटर में कर लिया है और इसको हमें 2.5 पे कर लिया है. अब आपको हम करके बताते हैं. देखिए मेरा कपड़ा थोड़ा यहाँ हो रहा था, ये देख सकते हैं आप. इसने मुझे गाइड किया. ये आप देख सकते हैं हमारा ओवरलॉक हो गया है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ. ये हमने बाद में बड़ा किया था स्टेच हमारी, तो ये कुछ इस तरह का हुआ है. पर हमें हमेशा इसको इधर रखना है.
और हमेशा ये 2 पर रखना है, तो हमारा ओवरलॉक इसी तरह परफेक्ट होगा। अब आपको मैं इस फुट से भी ओवरलॉक करके बताती हूँ। अगर आपके पास ये फुट नहीं है तो आप इससे भी ओवरलॉक कर सकते हैं। मैं आपको इस फुट से भी करके बताती हूँ। जी, मैंने ये फुट लगा लिया है। ये फुट लगाने के बाद हमें ये नहीं पता होता कि हमारा कपड़ा किधर, इस साइड जाएगा, इधर जाएगा या सेंटर में होगा। हमें खाली ओवरलॉक यहाँ पर करके मिली, पर इस फुट से हमें पता चलता है कि हमारा कपड़ा एकदम परफेक्ट है। अब मैं आपको इस पर करके बताती हूँ। इसे करते वक्त हमें बहुत ये देखिए ये ओवरलॉक की है, पर आप देख सकते हैं इससे भी ओवरलॉक हो जाता है इस तरह से। पर ये फुट से जो ओवरलॉक का फुट होता है इससे परफेक्ट ओवरलॉक होती है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से इस पर ओवरलॉक हुई है। अब मैं आपको इसी तरह का ओवरलॉक एक ड्रेस पे करके बताती हूँ। ये एक ड्रेस की स्लीव्स है, मैं उसको ओवरलॉक करके आपको दिखाती हूँ। वन साइड हमने ओवरलॉक किया है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हुआ है उसमें ओवरलॉक। बहुत फिनिशिंग के साथ हमारा ओवरलॉक होता है। हमारी जो ओवरलॉक मशीन आती है तो उससे जो ये थ्रेड होते हैं वो ऑटोमेटिकली कट हो जाते हैं, पर हमें ये मशीन में कट नहीं होते, हमें इसे कट करना होता है। कर लेते हैं, फिर भी ये बहुत ही अच्छा है। बस हमें ये कट करना होता है, हमारा ओवरलॉक हो जाता है बिल्कुल अच्छा। आपको मेरे चैनल पर इसी तरह की और भी वीडियो मिलती रहेंगी, इसलिए मेरे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आप फ्यूचर में आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।